शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दौलामेटी हिलटॉप कॉलोनी में एक महिला पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जो कि सेंट्रल जेल में कार्यरत थी। दौलामेटी में पॉजिटिव की संख्या अब 6 पर पहुंच चुकी है, जिससे परिसर में चिंता का वातावरण है। वाड़ी क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है। मंगलवार को धम्मकीर्ति नगर लावा गांव में कोरोना पॉजिटिव मिला। बुधवार को दौलामेटी ग्राम पंचायत के तहत आने वाले हिलटॉप कॉलोनी में एक 31 वर्ष की अविवाहित महिला पॉजिटिव मिलने से अब दौलामेटी में पॉजिटिव का आंकड़ा 6 हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय अविवाहित पुलिस महिला व सेंट्रल जेल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। माँ, पिताजी और एक बहन के साथ दौलामेटी के हिलटॉप कॉलोनी में निवास करती है। 1 जुलाई को उसकी तबीयत खराब होने से एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई। उपचार के दरमियान उसकी कोरोना जांच की गई तो बुधवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसकी खबर तहसीलदार ग्रामीण मोहन टिकले को मिलते ही मोहन टिकले ने BDO किरण कोवे, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी सचिन हेमके, स्वास्थ्य अधिकारी सुषमा धुर्वे, ग्राम विकास अधिकारी विष्णु पोटभरे, उप सरपंच गजानन रामेकर, आशा वर्कर के साथ दौलामेटी पहुंचे व म्हाड़ा कॉलोनी में निवास कर रही पुलिस महिला के घर की गली सील कर दी। उसके परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। दौलामेटी में अब तक 6 कोरोना मरीज पॉजिटिव मिलने से भय का वातावरण परिसर में निर्माण हुआ। कोरोना को रोकने के लिए दौलामेटी ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी विष्णु पोटभरे ने शुरू से ही अभियान चलाया। गांव को सैनिटाइज के साथ आशा वर्कर से सर्वे कर नागरिकों में जागृति अभियान चलाया। नागरिकों ने सावधान रहने का आह्वान विष्णु पोटभरे ने किया है। रात में 9 बजे 108 एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन क्वारंटाइन के लिए जाने को परिवार तैयार नहीं था। तहसीलदार मोहन टिकले ने परिवार को समझाया, फिर भी परिवार वाले समझने को तैयार नहीं थे। वहां पर वाड़ी थाने के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र पाठक मौजूद थे। उन्होंने 5 महिला पुलिसकर्मी को बुलाया। APR रेखा संगपाल अपनी दलबल के साथ जगह पर आकर जबरदस्ती एम्बुलेंस में परिवार को बिठाया गया। इस समय पूर्व सरपंच संजय कपनीचोर, प्रशांत केवटे, आंगनवाड़ी सेविका उषा चार भी उपस्थित थे। इन 20 न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। आज दौलामेटी हिलटॉप कॉलोनी वार्ड नंबर 3 या ठिकाणी 6वा कोरोना पेशंट आढळलेला आहे आणि सर्व प्रशासन या ठिकाणी उपस्थित झालं होतं। आपले तहसीलदार साहेब टिकले साहेब, BDO साहेब कोवेजी, तसेच या विस्तार अधिकारी व सर्व पंचायत समितीची टीम, सर्व ग्रामपंचायतची टीम, या परिसरातले सर्व दौलामेटी परिसरातले सर्व आरोग्यसेवक डॉक्टर मॅडम, सर्व सेविका व ग्रामपंचायत सदस्य या ठिकाणी उपस्थित झाले व हा पेशंट कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाला। हा सेंट्रल जेलमध्ये नोकरी करतो आणि तो पेशंट तिथेच आढळल्यामुळे तो अगोदर हॉस्पिटलला ॲडमिट झाला। आज या ठिकाणी जवळपास 8 ते 8:30 सुमारास त्यांच्या घरातील 3 व्यक्तींना क्वारंटाईनसाठी नेण्यात आले। अतिशय शांततेने ही कारवाई पार पडली व सर्व प्रशासनाने या गावातील सर्व नागरिकांनी अतिशय सहयोग केले। मी त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन करतो। मी डॉक्टर सुषमा धुर्वे, वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व्याहाड। आज दौलामेटी येथील एका संक्रमिताची माहिती आम्हाला तहसीलदार साहेबांकडून कळली आणि असं समजले की ते ऑलरेडी एम्समध्ये भरती आहेत आणि त्यांचे जे परिवार कुटुंबीय आहे ते दौलामेटी येथे राहत होते। ज्या महिला संक्रमित आढळलेल्या आहेत त्या सेंट्रल जेलमधले कार्यरत असून घरून येऊन जाऊन करायच्या। मागील 3-4 दिवसापासून गावकऱ्यांना त्या आढळल्या नाही आणि जेव्हा आम्हाला ही माहिती मिळाली त्या की त्या कोरोना संक्रमित आहे तेव्हा आम्ही त्यांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेस केले आणि दौलामेटी येथे त्यांच्या कुटुंबियांना शोधून काढले।